I compliment you. Thank you. Honourable Member, Sri Rajan, Rajan Sushant. Sabhapati ji, bahut bahut dhanyavaad. थोड़े से समय में दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। जल्दी से। सबसे पहले तो मैं माननीय चिदंबरम जी द्वारा ये जो संशोधन लाया गया है 2010 सीआरपीसी का, इसका मैं स्वागत करता हूं। ये बड़ा सामयिक है, अति आवश्यक भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुलिस को आप शक्तियां देंगे तो उनका दुरुपयोग ना हो, तो उसको रोकने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एक तो पुलिस स्टेशन के अंदर जब भी कोई इंक्वायरी हो या इंटेरोगेशन हो तो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का तुरंत करना चाहिए। साथ साथ में लॉकअप में भी जब डाले जाते हैं अक्यूज तो उनकी भी कांस्टेंट वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और जो भी थर्ड डिग्री मेथड है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, और पुलिस ट्रांसपेरेंसी से काम करे, इसके लिए भी कोई नया सिस्टम ईजाद करना चाहिए। और सभापति जी, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हम ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितना जे सीआरपीसी आईपीसी पुराना ये कानून चला है, नियम चला है, उतना ही थानों की हालत भी पुरानी चली हुई है। अंग्रेज के वक्त के ही थाने हैं, अंग्रेजों के वक्त का ही पुलिस का बल भी है। हम निहत्थे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं आतंकवादियों और अपराधियों पर काबू पाया जाए। मैं समझता हूं आज पुलिस के विरोध में तो हम पक्ष उठाते हैं, लेकिन पुलिस की जो हालत दयनीय है पूरे राष्ट्र में, उसके ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से शीघ्र न्याय देने के लिए कोर्ट की ज्यादा संख्या बढ़ाने का विचार हुआ है, जजेस की ज्यादा संख्या बढ़ाने का विचार हुआ है, उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने का विचार हुआ है, उसी तर्ज के ऊपर पुलिस बल को भी मजबूत करने के लिए ज्यादा थाने खोले जाएं, पुलिस कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा भर्ती हों, उनको साधन भी ज्यादा दिए जाएं, मोबिलिटी भी ज्यादा दी जाए, और हथियार भी मॉडर्न और बढ़िया दिए जाएं ताकि वो मुकाबला कर सके, क्योंकि पुलिस बल निरंतर निरुत्साहित हो रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे वनांचल हो, सब जगह हम पुलिस को कोस रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूं जैसे आदमी अडवाणी जी बार बार मांग करते हैं कि इनको ताकत दी जानी चाहिए, तभी ये जान और माल की सुरक्षा दे सकते हैं। और हमारा जो आज अमेंडमेंट आया है, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें, और निश्चित तौर पर अलग से एक नया आईपीसी और सीआरपीसी अपना हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तानियों के लिए बने, ये भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर,